अस्सलाम वालेकुम नादिन, मैं हूं अली गफ़ार। किसान फूड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। क्या यह है मुस्तकबिल का पाकिस्तान? जिंदाबाद मेरा किसान। हम बनाएंगे वतन का कल्चर एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री को फ्रोग मिले। अगर वतन की 60-70% आबादी ज़रई आबादी है, तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री सबसे तगड़ी इंडस्ट्री बन ना सके। वसाइल हो या ना हो, मेहनत की कमाई मिले या ना मिले, फसल में कीड़ा लग जाना, तूफानी बारिशें और सैलाब का आ जाना, बजट से ज्यादा खर्चा हो जाना, मंडियों में रिटेल मार्केट में वो रेट मिलना ना मिलना, ये सब बात की बातें हैं। इससे पहले एक फील है, एहसास है, एक इत्माद है, अपने दिल में अपने काम की इज्जत है। आपकी मेहनत वहीं जाया हो जाती है जब आप अपने आप को किसान कहने से डरेंगे, जहां आपको अपने शोबे से मोहब्बत नहीं होगी। तो कैसे एक किसान का बच्चा एतमाद से कहेगा कि मैं एक फार्मर का बेटा हूं और मुझे फार्मर का बेटा होने पर फख्र है। अगर डॉक्टर का बच्चा कह सकता है कि मेरे वालिद डॉक्टर हैं, अगर इंजीनियर का बच्चा कह सकता है कि मेरे वालिद इंजीनियर हैं, अगर एक बिजनेसमैन का बच्चा कह सकता है कि मेरे वालिद बिजनेसमैन हैं, अगर एक आर्किटेक्चर का बच्चा कह सकता है कि मेरा वालिद एक आर्किटेक्चर है, अगर एक ताजिर का बच्चा कह सकता है कि मेरा वालिद एक ताजिर है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि मेरे वालिद एक किसान हैं, फार्मर हैं, एक हारी हैं? ये एतमाद दिलाएगा किसान फूड स्टूडियो अपने प्लेटफॉर्म से, बनेगा आवाज एक किसान की, एक हारी की, एक फार्मर की, क्योंकि हमें फख्र है अपने किसान भाइयों पर और उन्हें भी अपने इस काम से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हम बनाएंगे वतन का कल्चर एग्रीकल्चर। अस्सलाम वालेकुम।